और गाइस ये देखो आड़ू पक के तैयार हो चुके हैं, ये रहे। और इधर भी आम के पेड़ है बहुत सारे। ये देखो कितना प्रकृति का नज़ारा, यहाँ की इतनी हरियाली होते हुए। और हम ये आ रहे हैं धुनी में से, ये धुनी का आम से आने वाला रास्ता है। और ये देखिए कितना शानदार रास्ता बना रखा है, बहुत अच्छा रास्ता बना रखा है, सीमेंटेड रास्ता है। और ये देखो बहुत सुंदर व्यू है। और सुबह सुबह अभी 8 बजे होंगे, 8 बजे हम आ रहे हैं मंदिर से। और ये देखिए कितनी हरियाली है, ये देखिए जी ये पेड़, ये देखो कितना बड़ा पहाड़ है यहाँ पर, ये देखते हैं। आगे जा रहे हैं पीयूष, पीयूष की मम्मी और भाभी जा रहे हैं। ये देखिए कितना नज़ारा है यहाँ, कितना मस्त है, कितनी हरियाली हो रही है। देखो इधर भी आम लग रखे हैं। और ये देखो उनका दृष्टि यहाँ, यहाँ पर देखो लौकी और ये सब ककड़ी तोरी सब कुछ गाँव बेल तैयार हो गए हैं। और आपको ये दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, जब आप देखिए कितने सारे यहाँ पर पुलम हो रहे हैं, इनको बोलते हैं पुलम। ये देखो पुलम हो रहे हैं, इतने सारे पुलम हो रहे हैं, इतने सारे फल हो रहे हैं, ये देखो इतने पुलम हो रहे हैं। इसमें करीब नहीं भी होगा 10 ट्रक आम पुलम हो रहे हैं, 10 ट्रक से भी ज़्यादा। ये देखो जी कितने हमारे यहाँ फल की कोई कमी नहीं है, इतने ज़्यादा फल है ना, ये देखो कितने फल हैं यहाँ। ये देखो कोई खाने वाला नहीं है, गाँव में है नहीं ज़्यादा लोग, इक्का दुक्का लोग हैं भाई, इतने सारे फल सब चिड़िया ही खाते हैं। ये देखो कितने सारे फल लगे हैं, पूरा पेड़ भरा पड़ा है। ये ग्राम प्रधान का पेड़ है, घर है उनका पेड़ है, पुलम का पेड़ है उनका। ये और गाइस इसको लूट बोलते हैं पहाड़ी में। और ये दृष्टि होते हुए और ये देखो ये हमारे ताई जी हैं, ये ग्राम प्रधान की मम्मी हैं, जो मैं और ग्राम प्रधान एक ही साथ पढ़ाई करते थे। और मैं प्लान कर चुका दिल्ली में और वो गांव में रहे ग्राम प्रधान बन के काफी आगे पहुंच चुके हैं, हमें बहुत खुशी है। और वो ग्राम प्रधान की मम्मी यहाँ पर बैठे हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर। नमस्कार मम्मी को। और ठीक चल जा। और देखो कितना अच्छा हम यहाँ पर मौसम है, यहाँ पर कितना अच्छा नज़ारा है। ये देखो और यहाँ पर सब सीमेंटेड रास्ते हो गए हैं, पक्के रास्ते हो गए हैं, ये सारे रास्ते पक्के बना दिए हैं और ग्राम प्रधान की ओर से ही सारे पक्के रास्ते हैं। और ये देखिए आले दिखानू। और ये देखो कितना अच्छा है, ये एक ग्राम प्रधान का जो ग्राम प्रधान है हमारे यहाँ के, और उनका घर है इधर, मैं उन ग्राम प्रधान के घर की ओर जाते हुए और दिखाता हूँ उनके घर कैसा है क्या है, आपको भी दिखाते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। और ये उनका भैंस है, और भैंस का थोरी भी हो रखे यहाँ, और ये आम भी हो रखे यहाँ पर। ये देखो ये देखो कितनी अच्छी अच्छी भैंस यहाँ घास खाती हुई। और ये देखो यहाँ तक खीरा के बेल हो चुकी है, खीरा के बेल यहाँ तक आ चुके हैं। ये है कहाँ ग्राम प्रधान का घर, मैं दिखाता हूँ अच्छे से दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो उनका घर कितना अच्छा सा बना है, डेकोरेट कर रखा है उन्होंने, ये देखो जी। और यहाँ पर उनका भैंस घास खाती हुई, और ये उनका थोरी, और ये उनका मकान देख लीजिए ग्राम प्रधान जी का हमारे। नहीं कोई बात नहीं। और ये देखो ये इतना शानदार घर बना दिया उन्होंने, अपना एकदम बढ़िया सा घर बना रखा है, ओम भी लिखा है उसमें। ये बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर रखी है, ये देखो जी ये। और ग्राम प्रधान का अभी कुत्ता भी दिखाते हैं आपको, उनके कुत्ता भी पाल रखा है। ये इधर देखो टमाटर के बेल हो रखा काफ़ी, ये देखो कितने सारे टमाटर के बेल हो रखे हैं, ये देखो। और राजमा भी बो रखा है इन्होंने काफ़ी, राजमा के फूल लगे हैं, फूल आपको ये देखो राजमा के फूल सब व्हाइट व्हाइट जो है राजमा के फूल लगे हैं। पुदीना बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ, ये देखो पुदीना कितना हो रहा है, देखो ये कोई है कितना मस्त पुदीना हो रहा है। ये देखिए कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो पुदीने की चटनी बनाओ, उसके साथ रोटी खाओ, बस कितना मज़ा आता है। वाह ये देखो मूली के पत्ते हो रहे हैं, हरी सब्जी भी हो रही है यहाँ, काफ़ी हो रही है इधर को बो रखा है। और ये देखो उन्होंने क्या क्या लगा रखा है।
ये देखो, ये उनका, ये ग्राम प्रधान का, उन्होंने डॉगी पाल रखा है यहाँ पर, ये भौंकता हुआ और अपने सिक्योरिटी गन देते हुए कि घर पर कोई चोर वोर तो नहीं आए करके, और घर की रक्षा करते हुए, और ये घास लगा रखा है, लूट बोलते हमारे यहाँ, इसको गाय भैंस को लेकर स्टोर करके रखते हैं। ये देखो जी कितना डिस्टिक बढ़िया मकान बना रखा है, मकान ये पहले ज़माने में हमारे वहाँ ऐसी पत्थर के मकान हुआ करते थे, कितना सुंदर मकान है, पर क्या करें, दिल बहुत दुखता है। आज तो लोगों ने ये मकान लुप्त कर दिए हैं, सब लेंटर वाले, सब पैसे वाले हो, सब ने लेंटर वाले कर दिए हैं, अब किसको क्या बोलो, मैं मेरे घर सारा लेंटर वाला हो गया है। ये देखो कितना शानदार बना रखा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखो जी, ये देखो कितनी हरियाली है, कितना सब कुछ है यहाँ, कितना मौसम अच्छा है, कितना, ये देखो ये हमारा सामने का पहाड़ व्यू देखो, कितना ज़बरदस्त लग रहा है जंगल का। इधर पापा नाश्ता बना रहे हैं अभी, लच्छेदार पराठे, आप देख सकते हैं इधर अभी पापा लच्छेदार पराठे बना रहे हैं, और इधर मम्मी ने भी मैगी बना दी है, रेडी हो गई हमारी मैगी खाने के लिए, और लच्छेदार पराठे पापा उधर बनाएंगे चूल्हे में। ये लकड़ी वाले चूल्हे में रोटी बना रहे हैं आज नाश्ता, और मैंने चूल्हा जला दिया है, लकड़ियां हैं ये सारी, लकड़ियां रखी है यहाँ पर, और चूल्हे में तवा रख दिया है, तवा गर्म हो रहा है, लच्छेदार पराठे बना रहा हूँ, और मैगी बना दी है, और ये देखो जी कैसा कैसा हमारे पहाड़ में होता है, लकड़ियों में बनाना पड़ता है। वैसे तो मेरे पास छोटा सा जगह सिलेंडर भी है ये, पर ये छोटा सिलेंडर इसमें खाना बनेगा नहीं, इसलिए आप चूल्हे में बना रहे हैं। ये देखो ये पराठा, ये देखो लच्छेदार पराठा बना दिया है।